हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं इंग्लिश में, जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में ईजिली कर सकते हैं। सो गाइस, मेक श्योर इसी तरीके की इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज के लिए, एंड ऑल यू नो इंग्लिश सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंसेज आपको काफी सारे करवा चुकी हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डेली लाइफ में किस तरीके की इंग्लिश बोलें वो वहां पर आप सीख पाएंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अगेन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ, जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में ईजिली कर सकते हैं, एंड किसी भी को भी कर सकते हैं इम्प्रेस। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ यू नो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए, यहां पर मैं आपको कराती हूँ आज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और बेसिकली ये हमारा सेट वन है। आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो हिंदी में ये क्वेश्चन शुरू होते हैं क्या से, ठीक है। जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम कुछ खा रहे हो, क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्या वो वैसा कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, और इंग्लिश में इनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको 10 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं, योर फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू रीडिंग द बुक, आर यू रीडिंग द बुक। तो आप इसको किस तरीके से बोलेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि क्या तुम बुक पढ़ रहे हो। सो गाइस, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। और अगर आपको देखो इसको आंसर करना हो तो आप बहुत ईजी तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं, यस आई एम। अब देखो इसको आप एक तरीके से और बोल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपसे हुआ है आर यू रीडिंग द बुक, तो आप कह सकते हैं यस आई एम, आगे बोल सकते हैं रीडिंग द बुक, यस आई एम रीडिंग द बुक। लेकिन अगर आपको बहुत शॉर्ट में इसको बोलना हो और आप चाहते हैं कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ और साथ ही साथ सामने वाला आपकी बात बिल्कुल समझ जाए, तो आप इसको पूरा ना बोलकर इतना भी कह सकते हो खाली, यस आई एम। अब इससे क्या पता चलता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या बोला, यस yes, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी आप आए, आए के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की एम, यस आई एम, छुट्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका, इज़ शी मेकिंग अ नॉइज़। इसका मतलब होता है क्या वह शोर कर रही है। सो इज़ शी मेकिंग अ नॉइज़। तो देखो हम इसका आंसर किस तरीके से कर सकते हैं, नो आई एम नॉट। अच्छा, ये हमारा ऊपर जो है इसका नेगेटिव था, ठीक है, मैं इसको स्किप कर गई थी। तो जैसे कि आपने देखो इसका आंसर यहाँ क्वेश्चन पूछा आर यू रीडिंग द बुक, तो आप दो तरीके से आंसर कर सकते हैं, या तो यस में या फिर नो में। अगर आपने बोला यस आई एम, तो अगर आप नेगेटिव इसको बोलना चाहो तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट, यानी नहीं मैं नहीं पढ़ रहा। तो ऐसे ही जो आपका गाइस ये वाला सेंटेंस है, सेकेंड वाला, इज शी मेकिंग अ नॉइज़, क्या वह शोर कर रही है, तो इसका आंसर भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, यस शी इज़, कि भाई हाँ वो शोर कर रही है, और अगर आपको मना करना हो तो नो शी इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट। इससे क्या पता चल जाएगा कि वह शोर नहीं कर रही। तो आपको आगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नो शी इज़ नॉट मेकिंग अ नॉइज़, आप इतना नहीं बोलोगे। खाली अगर आप इतना भी बोल देते हो दैट नो शी इज़ नॉट, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई हाँ आप मना कर रहे हो, ठीक है। वैसे आप कंप्लीट आंसर भी इसका कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, डू यू नो हिज फादर, यानी क्या तुम उसके पापा को जानते हो, डू यू नो हिज फादर। इसका आंसर देखो आप अगर यस में करोगे तो आप कह सकते हैं यस आई डू, यस आई डू, कि भाई हाँ मैं जानता हूँ। और अगर आपको मना करना हो तो आप कह सकते हैं नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट, यानी नहीं मैं नहीं जानता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, डज ही होप टू गेट थ्रू, डज ही होप टू गेट थ्रू। तो इसको अगर आपको आंसर करना हो तो अगर आपको यस में बोलना हो तो आप कह सकते हैं यस ही डज, और अगर आपको मना करना हो सो नो ही डज नॉट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा, डिड यू मीट हिम यस्टरडे, क्या तुम कल उससे मिले, ठीक है। डिड यू मीट हिम यस्टरडे, यानी क्या तुम कल उससे मिले। अगर आपको बोलना हो कि हाँ कल मैं उससे मिला, तो कंप्लीट ना बोल के जस्ट आप इतना बोल सकते हो यस आई डिड, यस आई डिड, कि हाँ मैं मिला। और अगर मना करना हो तो नो आई डिड नॉट,
नो आई डिड नॉट। तो आई होप इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड हाँ, कंप्लीट आंसर करने की बजाय आप इसको सब्जेक्ट के बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अभी 5 हमारे रह रहे हैं बाकी। इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर PDF यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ से आप अपने सिलेबस रिगार्डिंग जो PDF होते हैं इंग्लिश के, वो भी ले सकते हो इजीली। नेक्स्ट है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Has she bought new books? Has she bought new books? कि क्या उसने new books खरीदी हैं? क्या उसने नई किताबें खरीदी हैं? तो अगर आपको yes में आंसर करना होगा इस, तो आप बोल सकते हैं yes she has, yes she has। और मना करना हो so no she has not, no she has not। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, was he present in the meeting? Was he प्रेजेंट इन द मीटिंग? कि क्या वह मीटिंग में प्रेजेंट था? तो अगर आपको इसका आंसर करना हो येस में, तो आप कह सकते हैं येस ही वॉज, येस ही वॉज। और मना करना हो तो नो ही वॉज नॉट, नो ही वॉज नॉट, यानी नहीं वह प्रेजेंट नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इस मैटर में? क्या तुम इस मैटर में मेरी हेल्प करोगे? अगर आपको बोलना हो यस, तो आप कह सकते हैं यस आई विल, यस आई विल। और मना करना हो तो नो आई विल नॉट, नो आई विल नॉट, यानी मैं नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज हम लोगों का, मे आई सी योर फादर, मे आई सी योर फादर? कि क्या मैं तुम्हारे फादर को देख सकता हूँ या मिल सकता हूँ? तो इसका आप जो है आंसर अगर यस में करोगे, तो आप बोल सकते हो कि यस यू मे, ये भी हाँ तुम मिल सकते हो। और मना करना हो तो नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन होगा, इज़ इट कोल्ड टुडे, इज़ इट कोल्ड टुडे? कि क्या आज ठंड है? तो अगर आपको बोलना हो कि भी हाँ आज ठंड है, तो मतलब ठंडी है, ठंडी हो रही है, तो आप बोल सकते हैं यस इट इज़, यस इट इज़, के भी हाँ ठंड है आज। और मना करना हो तो नो इट इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट। सो गाइज यहाँ पर आज मैंने आपको कराए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप अपनी डेली लाइफ में पूछ सकते हो सामने वाले से। एंड आई होप कि काफ़ी सारे इनमें से क्वेश्चंस आप पूछते भी होंगे सामने वाले से। एंड आंसर्स भी हमने देखे हैं कि कंप्लीट आंसर ना करके हम शॉर्ट में किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। बट गाइज रिमेंबर वन थिंग, जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स आपकी शुरू हुए हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं क्या से। एंड सेकेंड चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इन सभी की जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगभग डिफरेंट है। कहीं आपका क्वेश्चन आर से शुरू हो रहा है, कहीं डू से शुरू हो रहा है, कहीं डिड से शुरू हो रहा है। दैट मींस ये आपके ऑल टेंसेस जो होते हैं उन्हीं में से मिक्सअप किए हुए क्वेश्चंस हैं। एंड आंसर्स भी आपको दिए गए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो मेक श्योर लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू नीड यू नो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस, तो भी आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, CBSE या फिर NIS बोर्ड के स्टूडेंट हो तो। चलिए अगर आपको क्वेश्चन में से सेंटेंस अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप भी मुझे कम से कम 2 से 3 सेंटेंस कमेंट सेक्शन में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ के ज़रूर दिखाएं और उनका आंसर भी लिख के दिखाएं, ठीक है, अगर आपको समझ में आई हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।